नमस्कार, मैं सोलिभ समसा और सभी को स्वागत है हमारे हिल्स लाइव की आज की शाम के स्पेशल बुलेटिन में। और आज हमारे साथ फोन लाइन पे रहेंगे और अलग अलग जगह से जहां डिफू से रहेंगे विभिन्न रोंगपीपी और पूरा ऑल ओवर कार्बी अंगलोंग का बारे में बताने के लिए रहेंगे ओलोक कुमार ओलोक बुरबुया, और उसके साथ में रहेंगे जयराम काठार, और उसके साथ में दिमाहासाओ जिस जिले से रहेंगे कि नू विश्वासा जो हमको एडिटर इन चीफ है। और खास करके एक बात है कि दिमाहासाओ में और डिफू लोकसभा में आज चुनाव हो रहा है, और उसके साथ साथ दूसरे आसाम की दूसरे जिले में जिसके करीमगंज हाइलाकान्दी और सिलचर और नगाँव में भी इस बार चुनाव लोकसभा के चुनाव हो रहा है। और उसके साथ साथ आज अब हम बात करने वाला है कि दिमाहासाओ और करबी अंगलोंग के बीच में ये जो इलेक्शन का दौरान पे कैसा आज का जो इलेक्शन का दौरान था उसमें किस तरह से लोगों के बीच में एक उत्साह देखने को मिला। और खास करके एक बात है कि दिमाहासाओ और करबी अंगलोंग बॉन्ड बनाने का बावजूद भी इस बार देखा गया कि लोगों घर से निकल के आए, और उसके साथ साथ इस बार जो देश के लिए जो देश का भविष्य के लिए बहुत दान डालने के लिए निकल के आए। तो पहले जाते हैं कि करबी अंगलोंग से करबी अंगलोंग के ओलोक कुमार बरबुआ से उसे जानते हैं कि इस बार करबी अंगलोंग में किस तरह से नजर है। ओलोक ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰ্যায়ক্ৰমে ডিফু লোকসভা সমষ্টিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। এই নিৰ্বাচনত অধিক সংখ্যক লোকে ভোটদান প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে, আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যে সুকলমে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে যদিও এতিয়া কিছু সময়ৰ পিছত এতিয়া 5টা বাজিবলৈ আৰু কিছু সময় আছে, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত ঘটিব। আৰু ইয়াৰ যি প্ৰাৰ্থীসকলৰ যি ভোট সেই বেলটৰ জৰিয়তে এইবাৰ কৰা নাই, ই ভি এম মেচিনত বন্দী হ'ব তেখেতসকলৰ ভোট। আৰু ইতিমধ্যে আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে বিভিন্ন অঞ্চল কাৰ্বি আংলং হওক, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং হওক, আৰু ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে যিমানখিনি অঞ্চল আছে ইয়াৰ অঞ্চলবিলাকত ইতিমধ্যে শান্তিপূৰ্ণভাৱে কোনো বিসংগতি নোহোৱাকৈ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া কাম সমাপ্ত হৈছেহি। আমালৈ আমি যি বাতৰি পাইছোঁ তাত কোনো বিসংগতি হোৱা নাই। কিন্তু যোৱাকালি এটা অঘটন ঘটিছিলে যে বকলিয়াত এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণে মানুহৰ মনটো আতংকিত কৰিছিলে, কিন্তু তাকো নেওচি মানুহে মনেৰে ভোট দিবলৈ আগবাঢ়িছিলে। আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে, আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত আমি পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে এইটোৱেই গম পালোঁ যে ভোটদানত মানুহৰ কোনো কাৰণেই মানুহে পিছুকি যোৱা নাই। এটা কথা, কিছু দুপৰীয়াৰ ভাগত বৰষুণেও মানুহক আমনি কৰিছিল, কিন্তু এই আমনি কৰাৰ মাজতেও ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত কোনো বাধা জন্মা নাই। আৰু দুই এটা ই ভি এমৰ ক্ষেত্ৰত খেলিমেলি হৈছিল যদিও পুনৰ যি নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে তৎপৰতা লৈ সেই ই ভি এমখিনিক আকৌ পুনৰ সংস্থাপন কৰে, পুনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰে। মই কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা অলক বৰ্মন বৰবৰা, হিলচ লাইভ। जी थैंक यू। ये था ओलोक कुमार बरबुआ जहाँ कारोबार कार्बी अंगलोंग का बारे में उन्होंने बताया। और उसके साथ जाते हैं कि अभी फिलहाल फिर से हम डिफू पे जाते हैं। डिफू का हालत क्या क्या है, डिफू का जो विभिन्न है विभिन्न लोगों की रोंग पीपी उसे जानते हैं कि इस बार डिफू में किस तरह से उत्साह देखने को मिला। विभिन्न ST parliamentary constituency election aaj Karbi Anglong aur Dimahasao district mein hua, lekin is waqt 4:30 abhi 4:30 ho chuka hai, lekin abhi total poll percentage mila ki 62 more than 62% have been recorded, but till 5 o'clock abhi hum log 5 o'clock mein kitna hoga abhi malum nahi, lekin abhi tak 62% poll percentage ho chuka hai। aur इस इलेक्शन में देखा कि यूथ पार्टिसिपेंट ज़्यादा है, और लोग द यूथ लुकिंग फॉर अ न्यू लीडर्स हु कैन डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। सो अभी इस वक्त यूथ लोग पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा है, और कि इस देखा कि इस मॉर्निंग आवर में कभी पोलिंग सेशन में ईवीएम मशीन खराब होने के कारण में कभी हर जगह में स्टॉप हो चुका है, और अब लेकिन इट वॉज बीन रिप्लेस। सो दिस इज टाइम सी द पीपल ऑफ द कार्बी अंगलोंग एज वेल एज द इन दिफू द यूथ आर टेकिंग
वाइटल टेकिंग पार्ट इन दिस इलेक्शन. सो इससे हम वापस आते हैं हाफलोंग में. हाफलोंग से दिमाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने के लिए कि आज के दिन में कैसा कैसा पोलिंग हुआ और कहां कहां पे लोगों के बीच में देखने को मिला और उसे जानते हैं कि अनुप साहब अनुजी आप बताइए कि आज का जो लोकसभा का पोल था उसमें कैसा अनुभव रहा आपका. हम लोग का जो दिमाहासाओ में जहाँ में भी जितना भी पोलिंग स्टेशन है बहुत सुंदर से वोट ग्रहण पूरा चालू हुआ. और सुबह में थोड़ा चालू होने में कोई कोई जगह में ईवीएम खराब मिला बोल के और वो चलाने को नहीं जानता ऐसा कुछ कारण से हम लोग का कोई कोई जगह दो चार पोलिंग स्टेशन में खाली एक दो घंटा का डिले हुआ. लेकिन अभी तक हम लोग फिलहाल जितना तक मिल रहा है बहुत अच्छा टर्नआउट दिखने मिला. और सबसे बड़ा बात है ये जो 36 आवर्स जो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बॉन कॉल किया इसको डिफाई करके इतना सारा आदमी निकाल के आया वोट देने के लिए ये बहुत अच्छा बात है. और हमारा दिमाहासाओ से सबसे शायद ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है असम में जहाँ पे बहुत शांति और कोई भी एक इंसिडेंट नहीं हो के इतना सुंदर से जो इलेक्शन प्रोसेस जो है कस्टी को बोर्ड है बहुत सुंदर से हुआ. और हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी बॉर्डरिंग एरिया है नागालैंड मणिपुर बॉर्डर है वो सब जगह बहुत दुर्गम है वहाँ पे जाने में बहुत तकलीफ है. इतना तकलीफ सहते हुए भी हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सुंदर से सुंदर तरीका से और पीसफुल एनवायरमेंट में इलेक्शन अब तक हुआ. तो हम फिर से जाते हैं कि कार्बी एंग्लोंग में जो खेरुनी से है जयराम कठार जो उसे जानते हैं कि आज का दिन में आप कहाँ मौजूद है और अभी फिलहाल वहाँ का हालत कैसा है. इस वक्त हम उपस्थित हो पश्चिम कार्बी एंग्लोंग खेरुनी ग्रीन इंग्लिश एलपी स्कूल में. यहाँ जो आज तीन नंबर डिफो लोकसभा इलेक्शन आज जो 18 तारीख जो आज कास्टिंग का तारीख है जो यहाँ जो शांतिपूर्ण से सक्सेस हो गया है. यहाँ तो कुछ है का कुछ भी नहीं हुआ है. इस वक्त आज बहुत पोलिंग स्टेशन में हम गया है विजिट किया है और सब पोलिंग स्टेशन में पूरा शांतिपूर्ण से सक्सेस हुआ है. यहाँ कम से कम हम खेरुनी एरिया में कम से कम 6-7 पोलिंग स्टेशन में हम विजिट किया है. यहाँ कुछ भी नहीं हुआ कम्प्लीटली सक्सेस कास्ट हुआ है. तो ये रहा हम लोगों ने दो डिस्ट्रिक्ट से जहाँ इस बार आज का दिन पे लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसके लिए आप लोगों को जानने की कोशिश की. वहाँ का हमका रिपोर्टर से जानने की कोशिश करा कि आज का जो पूरे दिन भर का जो इस बार आज का जो इलेक्शन था जो पोल था काफ़ी 242 समथिंग यहाँ पे दिमाहासाओ डिस्ट्रिक्ट में है और उसके साथ साथ कार्बी एंग्लोंग डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 800 पोलिंग स्टेशन है उसकी वहाँ पे काफ़ी लोग वोटदान देने के लिए आए. चाहिए डेवलपमेंट चाहिए हम लोग को इस कलेक्शन के बारे में और सभी समाधान से वो देवा हो हमारा वही जरूरी है जो हमारा दिमाहासाओ को कैसा बनाना है डेवलपमेंट करना है अच्छा सबके साथ में माने डेवलपमेंट सब बराबर से मिल के करना है और वो तो सभी सहमत से दिया हुआ है. की हो जिगर फसते মানে বোলে কি করে আগে তো একো করবো পারা নাই আমার রেলস দেখিছো একই হওয়া না কব পারো আমি এটা কি হয় ভগবান আপনি পরতন আহিব আহিব লাগবে তেনে আর তার মানে আহিব তো কব না আরে তবে আহিব লাগে এখানে আপনার পরিবর্তনের কারণে আপনি এবার ভোট দিব হয় এইটার কারণে আমি দিয়ে আসছো এটা এটালে দিয়া নাই এটা দিও আর দিও ঠিক আছে. 168 চন্দ্রাজি পোলিং স্টেশন হয় পার্ট নম্বর 168 তো এমএ पोलिंग पर्सनल लोगों सब वुमेन है लेडीज़ है वोट अच्छा से हो रहा है हमें. और लड़की लोगों का पोलिंग पर्सनल हुआ बोल के लड़की लोगों का वोट कास्ट भी और भी सुंदर से होता है पीसफुल से होता है हमें.